जय मसीह की आप सबको। आज कोई वचन नहीं बोला जाएगा, आज सिर्फ मैं अपने जीवन की गवाही बताने के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ। और आज जो है रेवलेशन मिनिस्ट्री को स्टार्ट करके पूरे 2 साल जो है पूरे हो चुके हैं, और काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई आप अपनी गवाही को हम सबसे शेयर करें, हम लोगों ने कभी भी आपकी गवाही जो है नहीं सुनी है। तो आज मैं अपनी गवाही को शेयर करने आया हूँ कि कैसा प्रभु ने मुझे कहाँ था और कहाँ पर पहुँचा दिया है। प्रभु इस गवाही से आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी दया करके सहायता और मदद करें। प्रभु जी जो गवाही शेयर करने जा रहा हूँ, प्रभु जी इस गवाही के ऊपर प्रभु जी आप आशीष दे। प्रभु जी जो लोग सुने प्रभु जी उनके जीवन को बदले, एंकरेज होने के लिए सहायता और मदद करें। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए प्रभु जी आप ही सहायता और मदद करें। आपके हाथों में प्रभु जी सौंप देता हूँ, आप ही मुझे संभालेंगे चलाएंगे करके विश्वास करते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा नाम विजय मसीह है और मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, पंजाबी हूँ, मगर अभी मेरा परिवार जो है पंजाब में रहता है, लेकिन मैं और मेरी वाइफ जो है यहाँ पे हैदराबाद में रहते हैं। और बचपन से ही हम लोग क्रिश्चियन घर में ही पैदा हुए हैं। मेरे पिता और मेरी माता और मेरा एक भाई है। 1 साल पहले ही मेरे पिताजी जो है गुजर गए, और अभी मेरी माता और मेरा एक भाई है जो कि पंजाब में रहते हैं और मैं हैदराबाद में रहता हूँ। तो बचपन से ही हम लोग क्रिश्चियन से, यानी कि मैं क्रिश्चियन घर में ही पैदा हुआ। मेथोडिस्ट चर्च में हम लोग जाने वाले थे, लेकिन हम नाम के क्रिश्चियन थे, यानी कि काम काज करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन जब संडे आता था तो अपने घर में बैठते थे, चर्च नहीं जाते थे, या तो सिनेमा घरों में जाके फिल्म देखा करते थे। भाई और बहनों, मेरे पिता और मेरे माता पंजाब के हैं, और वो लोग काम करने के लिए हैदराबाद में आए, लेकिन जब हैदराबाद में मेरे पिता आए तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पीने की जो थी आदत थी, और इस तरह से पीने की आदत से हर रोज़ जो है मेरी माता के साथ झगड़ा हुआ करता था, यानी कि मेरे डैडी पीते थे और मेरी माँ झगड़ा करती थी। यानी कि बचपन से ही हम लोगों के घर में जो है मैंने जो देखा दुख और तकलीफ जो थी हमारे घर में रहती थी, हर रोज़ लड़ाई झगड़ा, हर रोज़ मेरे पिता पीते थे, और ऐसे ही जो था हमारा जीवन जो था बीतते जा रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस घर में नहीं रहते थे, क्योंकि हम क्रिश्चियन थे लेकिन कभी प्रार्थना नहीं करते थे, कभी चर्च नहीं जाते थे, और ना ही कभी किसी पास्टर के पास जाके प्रार्थना कराते थे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता ही नहीं था, मगर थे हम क्रिश्चियन। हे भाई और बहनों, तो जब मेरे पिता पीते थे और मेरी माता लड़ती थी, तो कुछ ऐसा हुआ कि घर में कुछ हालात जो थे खराब होने लगे ज़्यादा, तो मुझे बचपन में ही काम करना शुरू करना पड़ा और मैं बाहर जाके काम करना शुरू किया। जब मैं 14 साल की उम्र का था तब से मैंने काम करना शुरू कर दिया, और मैंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है। मेरे परिवार में सबसे कम पढ़ा लिखा अगर कोई है तो वो मैं ही हूँ। तो जब मैंने काम करना शुरू कर दिया तो 5 साल तक अपने पिता के साथ एक कंपनी में काम करता था। वहाँ जाने के बाद में मेरे कुछ दोस्त बने, और वो दोस्त ऐसे थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो लोग भी मसीह को नहीं जानते थे, और हम लोग सुबह 6 बजे काम जाते थे और 3 बजे काम से वापस आते थे, और शाम में 6 बजे फिल्म देखने जाते थे। यानी कि मेरा जीवन जो था वो 5 साल तक ऐसे ही गुजरा, सुबह उठना, काम जाना और शाम में
फिल्म देखने चले जाना या यार दोस्तों के साथ घूमना। और जब संडे संडे आता था खास करके एक और दो फिल्में हम देखा करते थे, यानी कि फिल्म देखना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और इसी तरह से जो था मेरा जीवन जो था बीतते जा रहा था, गुजरते जा रहा था, लेकिन घर में किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं पढ़ता था, नहीं पता था, ना ही प्रार्थना करते थे और ना ही कोई विश्वास में था। सिर्फ हम नाम के क्रिश्चियन थे, यानी कि जब क्रिसमस आता था नवे कपड़े पहनते थे लेकिन हम चर्च में नहीं जाते थे, खाते थे पीते थे। और जब क्रिसमस आता था और मेरे डैडी अच्छा धूमधाम से पीते भी थे और खाते भी थे। हे भाई और बहनों, ऐसे ही हमारे दिन जो थे बीतते गए और घर में जो है मुश्किलें जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई और पैसे की तंगी और भी ज़्यादा बढ़ गई। इतने पैसे की तंगी बढ़ गई कि कभी कभी खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं हुआ करता था, और नहीं होता था तो कभी कभी हम लोगों से भी मांगते थे कि कुछ हमें दो या चावल बनाना है तो कुछ चावल ले लेते थे, या कभी कुछ सब्जी लाना है किसी से 10 रुपया 20 रुपया लेके ऐसे हम लोगों अपना जीवन बिताते थे। हे भाई और बहनों, इस तरह की मुश्किलें हालात जो थे हमारे बचपन में थे और यही सब हम देखते आ रहे थे। डैडी पीते थे और मम्मी लड़ती थी। हे भाई और बहनों, कभी भी घर में सुख और शांति जो नाम की चीज़ थी ये हमारे घर में बिल्कुल नहीं थी। और मैं बस दोस्तों के साथ घूमता था, फिल्में देखता था, संडे आता था और फिल्म देखने के लिए चले जाता था। ऐसे करते करते मैं 20 साल का हो गया और एक दिन यानी कि 1999 दिसंबर के महीने में किसी ने मुझे एक चर्च के बारे में बताया कि वहाँ पे एक चर्च है, उसका नाम हेब्रोन चर्च है वो। और वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ के एक सेवक है जिनका नाम है ब्रदर भाई भगत सिंह, वो भी पंजाब के हैं और पंजाब में से आके उन्होंने भी यहाँ पे आके सेवा शुरू की। उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे एक भगत सिंह है, वो भी तुम्हारे पंजाब के ही हैं, लेकिन उन्होंने चर्च बनाया है लेकिन अभी वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो पलंग के ऊपर लेटे हुए हैं। हे भाई और बहनों, जब मैंने उनके बारे में सुना तो चलो ठीक है एक बार जाके मिल के आते हैं करके मैं वो पहली बार जो था, वैसे तो मैं बहुत सारे चर्चों में गया था, मेथोडिस्ट भी चर्च में गया था, उधर इधर सब वेस्ली सारे चर्चों में घूम लिया था, लेकिन मैं जब हेब्रोन यानी कि गोलकुंडा क्रॉस रोड में है वो हेब्रोन चर्च हैदराबाद में, और मैं वहाँ पर गया चर्च में और मैंने उन्हें देखा भाई भक्त सिंह को पहली बार देखा 99 में। हे भाई और बहनों, जब मैं उन्हें देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनको देखने के बाद में, उनकी सेवकाई को देखने के बाद में कि कितने सेवकाई उन्होंने की है पंजाब में आने के बाद में, और इतने लोग जो है उद्धार पाए लोग हैं, इतने लोग जो है सेवा करने वाले लोग हैं। हे भाई और बहनों, फिर वहाँ से मुझे एक भाई जो है मुझे मिले, वो भी वहाँ पर सेवा करते थे और उनका नाम था आनंद प्रभु दास। और जब मैं उनसे मिला वो भी हिंदी बोलते थे और मैं भी हिंदी में बात करता था। फिर ऐसे ही हम लोगों बस हिंदी में बात करना शुरू कर दिया और ऐसे करते करते उन्होंने मुझे कुछ प्रभु के बारे में बताया और मैं उनकी बातों को सुनने लग गया। हे भाई और बहनों, वहाँ से जो था जीवन जो था बदलना जो था शुरू हो गया। और फिर मैं उनकी बातों को सुनने लग गया, यानी कि सुबह उठता था 6 बजे काम को जाता था, 3 बजे आता था घर को, फिर नहा धो के मैं चर्च में चले जाता था उनसे बातचीत करने के लिए। उसके बाद फिल्म देखना थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन मेरा जीवन जो था पूरी तरह से नहीं बदला था। और मैं ऐसे ही जाता गया आता गया जाता गया आता गया। और कई दिनों के बाद में वो भाई ने पूछा, क्या तुम्हारे पापों की माफ़ी तुमने मांग ली है प्रभु यीशु मसीह से? तो मैंने कहा कि पापों की माफ़ी जो है कैसा मांगी जाती है? देखो, तुम चर्च में आ रहे हो, आजकल कहीं भी नहीं जा रहे हो, तो पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता कर रही है, जो तुम्हें
यहाँ पे लेके आ रही है, इसलिए तुमने पापों की माफ़ी मांगी है या नहीं मांगी, उन्होंने मुझे पूछा। तो मैंने बोला कि पापों की माफ़ी कैसा मांगनी है। उन्होंने मुझे सिंपल सी एक प्रार्थना कहा करने के लिए, उन्होंने कहा कहना प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूँ, गुनाहगार हूँ, आप मेरे लिए इस दुनिया में आए और मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जो थे इस फिर से मुर्दों में से जी उठे। प्रभु जी मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे माफ़ कर दे, अपने खून से धो के पवित्र करें। ये प्रार्थना उन्होंने कहा करने के लिए और मैंने बिल्कुल वही प्रार्थना की और कहा कि प्रभु जी मुझे माफ़ करें, मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हो गई हैं, अपने खून से धो के मुझे पवित्र करें। जब मैंने ये प्रार्थना की उसके बाद में जो थे मेरे मन में शांति, आनंद, सारी चीज़ें जो थी मेरे मन में आ गई और मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। यानी कि घर में जब जाता था तो मेरे डैडी पीते थे, मेरे मम्मी लड़ती थी और ये सब होता रहता था और बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता था, मैं अपसेट हो जाता था कि मैं अब क्या करूँ। उनसे बचने के लिए मैं थिएटरों में जाके चले जाता था फिल्म देखने के लिए, शायद थोड़ी देर तक मुझे आराम मिलेगा। लेकिन जब मैंने अपने पापों की माफ़ी मांगी और गलती मैंने मान ली प्रभु यीशु मसीह के सामने, तो उस दिन के बाद में जो था मेरे अंदर पूरी रीति से शांति आ गई है। भाई और बहनों, प्रभु ने मेरे जीवन को जो है बदलना शुरू कर दिया है। भाई और बहनों, एक टाइम था, वो समय था 2000 का, यानी कि मैं 99 में चर्च में गया था और 2000 में मैंने पापों की माफ़ी मांग ली थी जनवरी के महीने में, और फिर मेरे जीवन जो था बदलने लग गया। मैंने अपने बड़े बड़े बाल जो थे रखे हुए थे जो कि नाक के ऊपर आया करते थे, और मैंने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मगर मुझे किसी ने बताया नहीं कि अपनी कटिंग जो है छोटी कर ले, मैंने अपने बाल जो है खुद ही खुद छोटे कर लिए। और काफ़ी लोग देख के, पहली बार मेरी कटिंग को देख के हंसने लग गए, अरे ये क्या, विजय ने इतने छोटे छोटे बाल करा लिए जो कि अभी मेरे सर के पर है, बस इतने ही बाल मेरे उस टाइम से हो गए। और उसके बाद वहाँ से लेके अब तक 22 साल हो गए हैं, मैंने कभी भी अपने बाल जो है कभी भी नहीं बढ़ाए है। भाई और बहनों, उस टाइम का ज़माना था कि जब मैं पैंटें जो थे लूज बेल बॉटम पहना करता था, लेकिन मुझे किसी ने बताया नहीं, मैंने अपनी पैंटों को भी कट करा लिया और उसे नॉर्मल बना दिया है। भाई और बहनों, इससे पहले मैं सुबह 6 बजे काम पर जाता था, 3 बजे घर में आता था, लेकिन उसके बाद में 3 बजे जब घर में आता था उस टाइम से मैं थिएटर जाना बंद कर दिया, उस टाइम पे मैं अपनी बाइबल लेके और मैं चर्च जाना शुरू कर दिया है। भाई और बहनों, वहाँ पे मंगलवार, बुधवार और थर्सडे के दिन मीटिंग हुआ करती थी, मैं वही 3 मीटिंग वहाँ पे अटेंड करता था, और संडे के दिन मैं वहाँ सुबह से लेके शाम तक रहा करता था है। भाई और बहनों, जब मैं मीटिंग जाना मंगलवार, बुधवार, थर्सडे के दिन जब मीटिंग शुरू कर दिया, तो मैं हर रोज़ मीटिंग में आता था, जाता था, और मैंने वही भैया को मिला और उनसे कहा कि भैया देखो, पहले मैं सुबह 6 बजे ड्यूटी पे जाता था, 3 बजे वापस आता था और शाम में फिल्म को जाता था, लेकिन आजकल मालूम है मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं 3 बजे के बाद घर में जाके नहा धो के अपनी बाइबल पकड़ के शाम में मीटिंग में आता हूँ, घर को जाता हूँ, काम को जाता हूँ, शाम में फिर से मीटिंग आता हूँ, घर को जाता हूँ, बस इतना ही है और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो भाई ने उस दिन पहली बार मुझे एक बात बताई कि पवित्र आत्मा ने तुम्हारे साथ काम करना शुरू कर दिया है। हे भाई और बहनों, उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि पवित्र आत्मा जब किसी को बदलता है तो वो इस तरह से बदलता है। हे भाई और बहनों, जब पवित्र आत्मा बदलती है वो लोगों को
लोगों को हमको कहना नहीं पड़ेगा कि तुम ये चीज़ को बदलो, तुम्हारी कटिंग छोटी कर दो, तुम्हारे कपड़े डिसेंट पहनो, तुम अच्छे अच्छे पैंटे पहनो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, ये कोई तुम्हें नहीं बोलेगा। सिर्फ पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगी कि तुम्हें कैसा रहना है, क्योंकि जब हम चल के रास्ते पे जाते हैं तो लोग देख के ये गवाही दें कि ये प्रभु के लोग हैं। उस दिन भाई ने बोला कि तुम आज थिएटर में नहीं जा रहे हो, तुम यहाँ पे चर्च में मीटिंग में आ रहे हो, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आई है और तुम पवित्र आत्मा की अगुवाई तुम पर हुई है और पवित्र आत्मा के द्वारा तुम चल रहे हो। हे भाई और बहनों, पहली बार ये बात जब मुझे पता चली कि परमेश्वर ने मुझे भी चुना है पवित्र आत्मा की चलने का, मुझे भी प्रभु ने अपने साथ चला रहे हैं, तो मुझे भी इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि मैं हर रोज़ मीटिंग जाता हूँ। हे भाई और बहनों, वहाँ से फिर 2000 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और 2000 के समय में मई के महीने में 28 तारीख को मैंने उसी चर्च में प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया। है भाई और बहनों, फिर मैं प्रभु के साथ और उस मंडली के साथ बहुत ही जुड़ गया, और फिर मेरा जीवन जो था एकदम से बदल गया, और उस टाइम पे मेरी उम्र जो थी 20 साल की थी, और मैं हर रोज़ काम पे जाता था, वापस आता था और फिर चर्च को मीटिंग को चले जाता था, इसके सिवा और मैं कुछ भी काम नहीं करता था। और जब संडे आता था तो मैं सुबह 7 बजे चर्च में जाया करता था, झाड़ू लगाया करता था और उसके मटके भरा करता था ताकि पानी के भर सकूं, और फिर चप्पल स्टैंड में काम किया करता था, वचन सुनता था, फिर चर्च खत्म होने के बाद में वहाँ पे खाना यानी कि प्रेम भोजन भी वहाँ पे मिलता था, तो और उसे भी मैं बांटने के लिए यानी कि सर्व करने के लिए, सेवा करने के लिए वहाँ भी मैं काम किया करता था। फिर वो खाना खाने के बाद में सारी चटाइयाँ उठा के, झाड़ू लगा के, और फिर रात में 7 बजे तक मैं अपने घर वापस आया करता था। हे भाई और बहनों, प्रभु के काम में मैं इतना बढ़ गया कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहा और दूसरा काम मैं कुछ नहीं करता था। हे भाई और बहनों, मैं हर दिन प्रभु में खुश रहता था, बहुत ही खुशी मिली मुझे प्रभु के काम करने से। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है फिलिपियों 4:4 में कि हर दिन प्रभु में खुश रहे, हर दिन प्रभु में आनंदित रहे। कोई भी समय, किस तरह की भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें प्रभु यीशु मसीह में खुश रहना चाहिए। तो मैंने पूरे 7 साल तक लगातार जो है प्रभु का काम करता रहा और प्रभु में जुड़ा रहा, लेकिन मैं वचन नहीं बोलता था, लेकिन वचन के अनुसार चलना मैंने शुरू कर दिया। हे भाई और बहनों, कुछ दिनों के बाद में कुछ ऐसा हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हुई और मैंने बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना सब कुछ छोड़ दिया और फिर से अपने पुराने जीवन में फिर से वापस चले गया। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके बपतिस्मा लेके 7 साल तक प्रभु यीशु मसीह का अनुभव करके सब कुछ करते हुए भी मैं फिर से वापस चले गया अपने पुराने जीवन में। फिर से मैंने शुरू कर दिया फिल्में देखने, फिर से मैंने शुरू कर दिया सारा गलत काम करने। ऐसे ही मेरा जीवन जो था फिर से 7 साल तक लगातार ऐसे ही होता रहा। हे भाई और बहनों, इस तरह से मैं प्रभु से दूर हो गया, लेकिन जब मैं दूर हुआ प्रभु यीशु मसीह से, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की नजर उस टाइम पे भी मेरी तरफ थी। मैं बहुत सारे चर्चों में जाके घूमा और बहुत सारे चर्चों से, पास्टरों से मिला, वो चर्च में जाऊंगा, ये चर्च में जाऊंगा, लेकिन कभी भी कहीं भी जाता था किसी का कभी भी चर्च में मुझे स्वर नहीं सुनाई देता था प्रभु यीशु मसीह का। हे भाई और बहनों, 7 साल के बाद कुछ मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि फिर से मैं लौट के प्रभु यीशु मसीह के पास आया, फिर से मैं पास आया प्रभु यीशु मसीह के, और प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु जी मुझे माफ़ कर दो,
मेरे से गलती हो गई, अपने खून से धो के मुझे पवित्र करो और अपनी राहों पे चलने के लिए फिर से मुझे तैयार करो। हे भाई और बहनों, लोगों के द्वारा मुझे बेइज्जती की गई, लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया। यह तक इतना बेइज्जती की उन लोगों ने कि वो लोग मुझे कहते थे, ना ही ये पढ़ा लिखा है, ना ही इसके पास पैसे है और ना ही इसके पास कोई नाम है, ये तो बेकार इंसान है। इस तरह से शब्द लोगों ने मेरे बारे में कहना शुरू कर दिया जब मैं प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गया। हे भाई और बहनों, ये बातें जो है मेरे दिल में बहुत लगी, क्योंकि आज तक मेरी किसी ने भी बेइज्जती नहीं की थी इतनी कि मेरे मुंह पे किसी ने कहा हो कि तू बेकार है, ते ना ही तू पढ़ा लिखा है, ना ही तेरे पास कोई पैसा है और ना ही तेरा कोई नाम है और ना ही तेरे पीछे कोई आगे पीछे है। हे भाई और बहनों, ये बात जब किसी ने मुझे कही तो बहुत ही ज़्यादा दिल दुखा और बहुत ही मैं रोने लग गया कि ऐसा मेरे जीवन में क्यों हुआ है। जब ये बातें मेरे दिल में लगी और चुभी, तब मैंने फिर से उसी परमेश्वर के घर में देखा मुड़ के, जहाँ पे मैंने शुरुआत की थी। मैं वहाँ पे गया, मंदिर में गया और वहाँ पे जहाँ पे मैंने पापों की माफ़ी मांगी थी वहाँ पे बैठा और वहाँ पे बैठ के मैंने प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु जी मुझे माफ़ कर दो, अपने खून से धो के मुझे पवित्र कर दो। जब आप मेरे साथ थे सब कुछ ठीक था, लेकिन आपको मैंने जब छोड़ दिया तो मेरे जीवन में जो है प्रॉब्लम जो है और बढ़ गई और मेरे शत्रु जो है और हो गए और लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। हे भाई और बहनों, लोग मुझे कहते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है और मैं बेकार इंसान हूँ और ना ही मेरा कोई आगे है, ना ही कोई पीछे है, ना ही कोई मेरा नाम है। लोगों ने मुझे ऐसा बेइज्जती की है प्रभु जी, मुझे दया करके क्षमा करें प्रभु जी, दया करके क्षमा करें। मैंने प्रभु यीशु मसीह के सामने कहा, हाँ प्रभु जी मुझे माफ़ कर दो, मैं सचमुच में बेकार हूँ, कोई काम का नहीं हूँ। पहले मैंने आपकी सेवा शुरू की, बाद में मैंने उसे छोड़ दिया 7 साल तक, मुझे माफ़ कर दो, मैं सचमुच में बेकार इंसान हूँ, कोई काम का नहीं हूँ, ना ही मैं पढ़ा लिखा हूँ और ना ही मेरे पास पैसे हैं और ना ही मेरे पास नाम है और ना ही मेरे कोई आगे पीछे है। प्रभु जी मुझे माफ़ कर दो, मुझ जैसे इंसान को प्रभु जी माफ़ कर दो और एक बार फिर से प्रभु जी मुझे मौका दे, एक बार फिर से प्रभु जी मुझे उठाएं, प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु जी मुझे आप चुने। प्रभु जी वचन में लिखा है, मैंने प्रार्थना में कहा, प्रभु जी वचन में लिखा हुआ है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए बहुत ही थोड़े लोग हैं। प्रभु जी उस चुने हुए में से मुझे भी बनाएं। प्रभु जी मैंने ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह से की कि प्रभु जी चुने हुए में से मुझे बनाएं प्रभु जी, ताकि मैं भी आपकी सेवा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन मेरी प्रार्थना को सुना और मेरे पापों को माफ़ किया और मुझे फिर से एक बार उठने का मौका दिया। हे भाई और बहनों, इस बात को 5 साल पहले, 6 साल पहले मैंने ये प्रार्थना को किया कि प्रभु जी मुझे माफ़ कर दे, और फिर से प्रभु ने मुझे उठाया। हे भाई और बहनों, फिर से मैंने प्रभु की सेवा करना शुरू कर दी, फिर से मैंने प्रभु में खुश रहना शुरू कर दिया, फिर से मैंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी और फिर से मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना समय देना जो है शुरू कर दिया, क्योंकि मैं गलत रास्ते पे चले गया था लेकिन फिर से वापस आ गया। हे भाई और बहनों, वो आदमी जो इंसान ने मुझे कहा था, ना ही तू पढ़ा लिखा है, ना ही तेरे पास पैसे है, ना ही तेरा कोई नाम है, ना ही तेरे कोई आगे पीछे है, ये बात जिसने मुझे कही थी मैंने उसे भी माफ़ कर दिया। क्यों उसे माफ़ कर दिया? अगर वो मेरे जीवन में नहीं होता, अगर वो मुझे ये बातें ना बोलता, तो शायद मैं आज यहाँ पे वचन नहीं बोल पाता और पीछे ही रहता। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपसे भी कह रहे हैं, अगर आपके जीवन में, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, अगर आप पीछे चले गए हो प्रभु यीशु मसीह के वचन को छोड़ के, प्रार्थना को छोड़ के, तो भाई और बहनों, अगर कोई आदमी आके, कोई इंसान आके आपको तकलीफ दे रहा है या तो आपकी बेइज्जती कर रहा है, तो भाई और बहनों ये समय है अपने आप को सीधा करने का, धन्यवाद देने का समय है कि प्रभु आपको बुला रहे हैं। हे भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन वो हमको कभी भी नहीं बोलता है,
वचन में लिखा है कि 100 भेड़े होने से भी अगर एक भेड़ भी खो जाती है तो वो उस एक भेड़ को भी ढूंढने के लिए आता है। ए भाई और बहनों, 100 भेड़े थी लेकिन मैं खो गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए भी आया, मुझे भी उस इंसान के द्वारा सही किया। हे भाई और बहनों, उस इंसान ने मुझे ये बातें बोली, वो मेरे जीवन में जो है आशीष हुई। लोगों ने बुरा करने के लिए सोचा, लेकिन वो बुराई को मेरे लिए भलाई में बदल दिया। हे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में भी प्रभु ऐसे ही करेगा। आपके जीवन में जो बुराई करने के लिए सोचेगा, प्रभु उसको भलाई के लिए आपके लिए कर देगा। हे भाई और बहनों, फिर मैंने प्रार्थना की और विश्वास किया और प्रभु से कहा, प्रभु जी मुझे चुने, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका काम करना चाहता हूँ। मैं अनपढ़ हूँ प्रभु जी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है प्रभु जी, ना ही कोई मेरे आगे पीछे है, ना ही कोई मेरा नाम है प्रभु जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ आज से आपकी सेवा करूँगा, लोगों को आपकी ओर करूँगा। तो प्रभु ने एक वचन दिया मुझे, और वचन था वो लूका 22 अध्याय और उसका 32 वर्स। उसमें लिखा था, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात की कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए विनती की है, यानी पत्रस के लिए प्रभु यीशु मसीह ने विनती की कि इसका विश्वास जो है बना रहे, और पत्रस को कहा कि जब तू अपने भाइयों में फिरे तो उन सबको स्थिर करना, विश्वास में आगे बढ़ाना। हे भाई और बहनों, इसी वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात की कि इस वचन को लेके कि तुझे एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ, आज से तू भी अपने भाइयों और बहनों को वचन सुनाना, और जो लोग पीछे हो चुके हैं उन्हें एंकरेज करना और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना। हे भाई और बहनों, उस दिन परमेश्वर ने मुझसे बात की कि सबको स्थिर करना। हे भाई और बहनों, स्थिर करने के लिए मुझे स्थिर होना बहुत जरूरी था। हे भाई और बहनों, फिर मैंने अपनी जर्नी शुरू की और फिर मैंने प्रार्थना करनी शुरू की। प्रार्थना में कई तरीकों से प्रार्थना करता था, लेकिन प्रभु मुझसे बात नहीं करते थे। बाइबल पढ़ता था, प्रभु मुझसे बात नहीं करते थे। लेकिन किसी ने बोला मुझे, अगर तुम सुबह 4:30 बजे उठ के प्रार्थना करेगा तो भाई और बहनों, तेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और तुझे वचन को समझाएगा। हे भाई और बहनों, उस दिन के बाद में मैंने 4:30 बजे उठना शुरू किया और प्रार्थना करना शुरू किया, और प्रार्थना जब मैं करता था, परमेश्वर मेरे जीवन को बदलते थे, मुझसे बात करते थे। सुबह सुबह के टाइम पे जब मैं वचन पढ़ता था तो वचन को भी प्रभु मुझे समझाते थे। हे भाई और बहनों, मेरा जीवन उस टाइम पे बदला जब मैंने सुबह सुबह उठ के प्रार्थना के लिए समय दिया। हे भाई और बहनों, मैंने कभी भी किसी जगह पे जाके बाइबल स्टडी नहीं की, कभी मैं मेरे पास, और ना ही मैं पास्टर हूँ, और ना ही मेरे पास कोई पास्टर का सर्टिफिकेट है। हे भाई और बहनों, जो कुछ भी सिखाया है सब कुछ प्रभु ने खुद मुझे सिखाया है। हे भाई और बहनों, उस दिन मैं एक टाइम था जब मैं वचन बोलने के लिए जाया करता था और लोगों से वचन सीखता था, और फिर मैं उसे लिखता था और जाके फिर मैं वहाँ वचन बोलता था। लेकिन आज एक दिन प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा कार्य किया कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला, और उस दिन मैंने अपनी गलतियों को जाना। अगर मैं लोगों के वचन जो सुन के किसी और को बोलूँगा तो शायद उनके जीवन में आशीष ना पाएंगे, एंकरेज ना होंगे और प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं जानेंगे। इसलिए मैंने उस दिन के बाद में प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु जी, आज से मैं जो भी वचन बोलूँगा सिर्फ प्रार्थना करूँगा, प्रभु जी मेरे मुँह के अंदर आपके वचनों को भरे, प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा से भरे। जब मैं वचन बोलूँ लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने, जब मैं वचन बोलूँ लोग एंकरेज हों, जो मैं वचन बोलूँ तो लोग स्थिर हों। प्रभु जी मैंने ये प्रार्थना की, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना, और जब भी मैं कभी वचन बोलता हूँ, ना ही मैंने वचन की तैयारी की, ना ही मैंने कभी लिखा है, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करके वचन के लिए मैं खड़ा होता हूँ, और आज तक प्रभु अपने वचन के द्वारा ही प्रभु जी मुझे चला रहे हैं। हे भाई और बहनों, 2 साल पहले
आज 2 साल हो गए हैं रेवलेशन मिनिस्ट्री को शुरू किए हुए। पहले मैं दूसरी जगह पे जाके सेवा करा करता था, दूसरे चर्चों में जाके वचन सुनाया करता था, लेकिन लोगों ने मेरे वचन नहीं सुने और लोगों ने मुझे वो वचन बोलने भी नहीं दिया। फिर प्रभु से मैंने कहा कि प्रभु जी अब मैं क्या करूँ, मैं आपके वचन को कैसे दुनिया में फैलाऊँ। तो प्रभु ने मुझसे कहा कि YouTube शुरू कर। मैं 2 साल तक लगातार YouTube के लिए प्रार्थना करता रहा और मैंने लोगों से कहा कि YouTube मैं शुरू करने वाला हूँ। लोगों ने हंसी में और ठट्ठे में उड़ा दिया कि YouTube शुरू करने वाला है, YouTube हमसे नहीं होगा करके। जब उन लोगों ने बोला, मैं फिर भी प्रार्थना करता रहा। 2 साल तक लगातार मैं प्रार्थना करता रहा और फिर जाके 2020 में मैंने रेवलेशन मिनिस्ट्री शुरू की। हे भाई और बहनों, परमेश्वर को चाहिए परमेश्वर के काम करने वाले लोग, और जो काम करने वाले लोग हैं परमेश्वर के, और परमेश्वर जो है उन्हें इस्तेमाल करता है। जो अधिकार करने वाले लोग हैं उन्हें कभी वो इस्तेमाल नहीं करेगा। हे भाई और बहनों, प्रभु को चाहिए काम करने वाले लोग। जब हम प्रभु का काम करेंगे तो प्रभु कहीं भी हमें इस्तेमाल कर लेंगे। हे भाई और बहनों, फिर मैंने YouTube शुरू की और फिर मैं हर दिन वचन बोलना शुरू किया। भाई और बहनों, मैं पंजाबी में हूँ, ये पंजाबी हूँ, इसलिए पहले पंजाबी में बोलता हूँ, फिर हिंदी में बोलता हूँ, फिर मैं तेलुगु में भी बोलता हूँ। मेरे रेवलेशन मिनिस्ट्री में प्रभु ने इतनी आशीष दी है प्रभु की कृपा से कि मैं 3 भाषाओं में वचन बोलता हूँ और सब लोगों को वचन को जो है सिखाता हूँ। हे भाई और बहनों, काफ़ी लोग जो है यूट्यूब में सब्सक्राइब हो चुके हैं और वचन को सुनते हैं, लेकिन फेसबुक में सबसे ज़्यादा वचनों को देखा जाता है और वचनों को सुना जाता है। जितने भी भाई और बहन मेरे वचन को सुनते हैं, अगर कोई इंकरेज होता है तो भाई और बहनों, आपका काम है कि इस वचन को और भी आगे शेयर करें, सब्सक्राइब भी करने के लिए कहें, ताकि ये वचन जो है आगे बढ़ सके, मिनिस्ट्री जो प्रभु की सेवा है वो भी आगे बढ़ सके। जैसे मैं यहाँ रह के सेवा कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, वैसे ही आप भी अगर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो भाई और बहनों, इसका मतलब ये है कि आप भी मेरे साथ प्रभु में सेवा में जुड़ चुके हैं। हे भाई और बहनों, इस तरह से प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया यूट्यूब मिनिस्ट्री के द्वारा, और काफ़ी लोगों को वचन जो है मुझे सुनाने का मौका दिया। हे भाई और बहनों, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझ जैसे 0 को, मुझ जैसे अनपढ़ को, मुझ जैसे कोई पैसा नहीं है, कोई नाम नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने काम के लिए चुना है। परमेश्वर का मैं बहुत ही बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को ही जाए। मेरा इसमें कुछ नहीं है, जो कुछ भी है आज प्रभु यीशु मसीह का ही है। हे भाई और बहनों, रेवलेशन मिनिस्ट्री शुरू करके आज 2 साल हो गए। 2 साल में जो है 900 वचन मैंने बोल दिए हैं। हे भाई और बहनों, आप भी मेरी सेवा के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं और भी पवित्र आत्मा से भर के वचन बोल सकूं, लोगों को एंकरेज कर सकूं, प्रभु यीशु मसीह को लोग जान सके वचनों के द्वारा। बस इसके लिए आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए और मेरी मिनिस्ट्री के लिए भी कीजिए। मेरा नाम है विजय मसीह, और मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।